पनामा पेपर्स की जांच के सिलसिले में ईडी ने बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन को तलब किया है। इस खुलासे से पता चला कि भारत में कई प्रमुख हस्तियों ने टैक्स हेवन में कंपनियां बनाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा एमएजी ने 426 भारतीयों को जांच के दायरे में रखा है। एमएजी जो 2016 के लीक से सुराग की जांच कर रहा था, वहीं काले धन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का पता लगाया है। आपको बता दें, जुलाई में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स मामले को छोड़ने के लिए शहबाज शरीफ की ओर से 1000 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, जिन्हें इस मामले में भी नामित किया गया था। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ पर मुकदमा चलाया, उन्हें बेईमानी के लिए अयोग्य घोषित किया और उनके बच्चों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने का आदेश दिया। दस्तावेज के शुरुआती लीक के 2 साल बाद पनामा पेपर्स के एक और लीक की सूचना मिली थी। नए लीक में जिन भारतीय नागरिकों के ऑफशोर कंपनियों के साथ संबंधों की पुष्टि हुई है, उनमें ये नाम शामिल हैं: शिव विक्रम खेमका, सूर्य समूह के संरक्षक नंदलाल खेमका के पुत्र, अभिनेता अमिताभ बच्चन, जहांगीर सरोबजी, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे, डीएलएफ ग्रुप के केपी सिंह और उनका करीबी परिवार, अनुराग केजरीवाल, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता, मेहरा सन्स ज्वेलर्स के नवीन मेहरा, हाजरा इकबाल मेमन, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी। पनामा पेपर्स मामले की जांच ईडी, आयकर और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की एक एसआईटी कर रही है। पनामा पेपर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑफशोर कानूनी फर्म मोसेक फोंसेका के डेटाबेस से 11.5 मिलियन फाइलों का एक लीक है। जर्मन अखबार ने एक अनाम दस्तावेज प्राप्त किए। अखबार ने उन्हें इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ को उपलब्ध कराया, फिर उन्हें ICIJ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के एक विस्तृत नेटवर्क के साथ साझा किया, जिसमें द गार्जियन और BBC शामिल हैं। पनामा पेपर्स लीक हुए दस्तावेजों से संबंधित है, जो दुनिया भर में कई व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा धोखाधड़ी और चोरी का संकेत देते हैं। 12,000 ताजा दस्तावेजों से भारतीय जुड़े हुए हैं। 2016 में मोसेक फोंसेका के दस्तावेजों में 500 से अधिक भारतीयों का नाम शामिल था। पनामा स्थित एक कानूनी फर्म मोसेक फोंसेका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे ऑफशोर क्षेत्र अधिकारी में संपत्ति प्रबंधन और कंपनियों को शामिल करने सहित सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ग्लोबल ऑपरेशन चलाती है। इस वेबसाइट एक ग्लोबल नेटवर्क है, जिसमें 42 देशों में 600 लोग काम करते हैं। यह स्विट्जरलैंड, साइप्रस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स हेवन में संचालित होता है। यह इतिहास का सबसे बड़ा लीक है। 2010 में विकीलीक्स द्वारा लीक किए गए US डिप्लोमेटिक केबल और 2013 में एडवर्ड स्टोडेन द्वारा पत्रकारों को प्रदान किए गए क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेजों से भी बड़ा है। मोसेक फोंसेका के आंतरिक डेटाबेस से 11.5 मिलियन दस्तावेज और 2.6 टेराबाइट जानकारी लीक हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल द वोकल न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें।